देखिए एक राष्ट्रव्यापी इस प्रकार का एक कॉल दी गई है, लेकिन मैं समझता हूँ हर किसी को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उनको अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए और जो प्रदर्शन भी है उसको शांतिपूर्वक करें तो उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। यदि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो फिर सख्ती से निकलता मामले में आज महापंचायत चल रही है बल्लभगढ़ में, तो उसमें क्या कुछ निकल कर अब तक सामने आया? देखिए बहुत ही एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये विषय लव जिहाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। लव जिहाद वाला विषय भी इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं इन चीज की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए विचार। खेल स्टेडियम की हालत काफी खस्ता है, उसके ऊपर काम जो है कम हुआ है, काफी काम हो गया है और भी अभी नई खेल नीति के नाते से या जो हमारी तैयारी चल रही है उस नाते से जितनी आवश्यकता होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर जो है कानून बनाने की मैंने बताया है, सभी प्रदेश अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, केंद्र भी सोच रहा है, कानूनी सलाह भी ली जा रही है और उसमें किसी निर्दोष को उसके अंदर कभी ना उसको झेलना पड़े, लेकिन जो दोषी है कोई बच ना सके ऐसे प्रावधान। सर दिल्ली से मंत्री जी, दान को लेकर अगर बात की जाए दूसरे प्रदेशों का तो पोर्टल पे खोल दिया गया, लेकिन 5-10% छोटे किसान थे उनका दान अभी तक भी घरों पे पड़ा है। सबका खुला है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने रजिस्ट्रेशन के कारण से रह गया हो, जो रह गया है उसके लिए अभी भी खुला है, अपनी जो फसल उसने बोई हुई है जी। उसका जो भी प्रमाण लाएगा फर्द लाएगा उसके नाते से चोर हो जाते हैं, पैसे मैंने बताया, इसलिए हमने जो खेलों में जाने वाले पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं उससे पहले ही ऐसे खास करके एशियन खेलों के लिए तो हमने प्रावधान किया है कि 5 लाख रुपया खेल करते समय अभ्यास करते समय उनको दे दिया जाए, बाद में अगर वो जाएंगे और खेल करके लौटेंगे तो 10 लाख रुपया उसके बाद दिया जाए। सर दिल्ली से करनाल हाईवे की हालत कई जगह खस्ता हालत है और सबसे बड़ी बात काम काफी स्लो चल रहा है मुरथल के आसपास। एक बार तो बीच में काफी बंद हो गया था, दूसरी कंपनी को काम नेशनल हाईवे ने दे दिया है और बहुत तेजी से काम हो रहा है, आगे आने वाले 31 मार्च तक जितने काम चुनाव निश्चित रूप से हम जीतेंगे ऐसा साल का शुभ अभी मैं जा रहा हूँ उस कार्यक्रम के बाद आपको बताऊंगा।